हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह जी मौजूद है। आशा कुछ से कुछ सवाल जानना चाहेगा सर, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसे समझना चाहेंगे सर। ये जो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रहे कि ईडी की तरफ से ये साजिश है, उनके ऑफिस में भी कुछ नहीं मिला और उनके घर पर भी कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया को बस परेशानी पहुंचा रही है और ईडी को इस्तेमाल कर रही है सर। आज सुबह आपने देखा कि पीएनबी का उनका लॉकर खुलवा है, सर क्या कहेंगे इस पे? केंद्रीय जांच एजेंसियां जब अपने काम करते उसको करने देना चाहिए। केजरीवाल पहले क्यों बयान दे देते हैं? नहीं होगा तो नहीं होगा, एजेंसी जांच कर रही ना, एजेंसी ने कोई डिसीजन तो नहीं दिया ना। और आप भी एक मुद्दे को लेकर के एजेंसी से मांग कर रहे हो कि जांच करें, उपराज्यपाल के मुद्दे को लेकर वो भी मांग कर रहे हैं ना, धरने बैठे ना, क्या करे, एजेंसी जाँच करे। जब एजेंसी जाँच करती तो उसका इंतजार करना चाहिए। सर वैसा भी कहा जा रहा है कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता अभी भी राहुल गांधी को ही अपना लीडर मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अभी भी उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। सर इस पर क्या कहेंगे कि चेंज ऑफ लीडरशिप आ नहीं रही है और उससे रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, आपने जैसे कि देखा है पहले? मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूँ। एक फिल्मी गाना है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं, तो मुझे कांग्रेस बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा सर, ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो फॉर्च्यून्स है कहीं ना कहीं बदलेंगे आने वाले इस साल के बीएमसी इलेक्शन में, उसी कारण से आशीष शेलार जी को लाया गया है सर। सर वो एक गेम चेंजर के तौर पे हमेशा माने जाते हैं सर, सर इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? इस बार मुंबई हो या MMRDA हो, यहाँ तो गेम चेंजर उत्तर भारतीय समाज है, जो मतलब पूरे जगह पे नगर निगम में महापौर बैठाएंगे, महापालिका में। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जितने महापालिका चुनाव वाले जितने सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। ये इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ, ये परिस्थितियाँ इसी बन गई है कि अब कोई मतलब रोक नहीं पाएगा। और मुंबई के महापौर तो इस बार तय ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी। सर बीजेपी ये भी कहता कि हमने पिछले समय कॉम्प्रोमाइज किया था और शिवसेना को एक महापौर का पोस्ट या दर्जा दे दिया था वॉलंटरली। बात सही है, 82 मिला था बीजेपी को, 84 शिवसेना को मिला था और दोनों साथ में सरकार में थे शिवसेना बीजेपी, तो माननीय मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद ही कहा है जी, तो जेरी बार भी महापौर बना सकते 2017 में। धन्यवाद सर, थैंक यू बात करने के लिए। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह जी, आज तक से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए और कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कि बीजेपी आने वाले बीएमसी इलेक्शंस में मेजॉरिटी से जीतेगी और मेयर उन्हीं का होगा। कैमरामैन नवनाथ के साथ दीप कोटक, आज तक मुंबई।